क्रिटिक तो और किसी के ही होते हैं, तो आप जब दो टेस्ट मैच खेले न्यूजीलैंड के खिलाफ, दो टेस्ट मैचों में आपको विकटें तो दो ही मिली, लेकिन आपने जो नपी तुली बॉलिंग की, मार नहीं खाई, ये किसी को नज़र नहीं आ रहा। तो आज आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाते हुए पूछूंगा आपसे कि आपके लिए ये चीज़ कितनी तकलीफ़ दे कि विकटें नहीं मिल सकें लेकिन बॉलिंग से मुतमईन है। या भाई मैं जो लास्ट टेस्ट मैच खेला था 2018 में, उसके बाद 5 साल का गैप आया और मैं लगातार परफॉर्म करता रहा डोमेस्टिक में, तो मुझे एक मौका चाहिए था, चाहे वो टेस्ट मैच हो या इवन वाइट बॉल क्रिकेट हो। मैं मेंटली हर क्रिकेट के लिए किसी भी कंडीशन में रेडी था कि मुझे किसी भी पिच पे, किसी भी कंडीशन पे बस एक मौका मिले अपने आप को प्रूव करने के लिए। और मुझे ये जो लास्ट टेस्ट सीरीज़ हुई है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें मौका मिला। मैंने पिच नहीं देखी कि कैसी पिच होगी, मैं सिर्फ इस चीज़ पे फोकस कर रहा था कि किसी तरह से मैं पाकिस्तान के लिए विकेट्स लूँ और अच्छी से अच्छी बॉलिंग करूं। अगर मुझे इवन विकेट्स नहीं भी मिलती तो एटलीस्ट मैं बॉलिंग करूं, रन्स ड्राई करूं, क्योंकि आप वो पिच देखेंगे उसमें रन्स बड़े इजीली बन रहे थे। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं रन्स ड्राई करूं। आपने मैचेस देखे होंगे तो आपको ये लगा होगा कि एक दो ऐसे भी डिसीजंस हुए जिसमें हमें आवाज़ नहीं आई, हालाँकि वो एजेस लगे थे, वो अगर हम अपील करते तो आउट भी होता। कुछ लेग बिफोर किए मैंने जिस पे अंपायर ने आउट दिया, लेकिन जब वो थर्ड अंपायर की तरफ गया तो आउट नहीं मिले। लेकिन ओवरऑल मैं अपनी बॉलिंग से सेटिस्फाई हूँ, बिल्कुल ये ज़रूर कहूँगा। ये मिससेटिस्फेक्शन आप कहें या कुछ भी कहें कि मुझे विकेट्स नहीं मिली, लेकिन स्टिल मेरी बॉलिंग ओवरऑल बड़ी अच्छी हुई है।